ये राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग है, हमें पहला विषय रखना है। दूसरा, हम चुनाव 2024 की दृष्टि से पूरी तरह से सजगता के साथ लगातार कार्यक्रमों की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कार्यक्रम मंडल स्तर पर, हमारे कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर के ऊपर लगातार जारी हैं। संगठनात्मक दृष्टि से एक बड़ा अभियान अपना चल रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली मंडपम में संपन्न हुआ और वो अधिवेशन अनेक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी न केवल भारत के अपितु दुनिया के सबसे पॉपुलर और महान नेता के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आए हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 के पार, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर जमीनी स्तर के ऊपर काम पर जुटी है और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले और नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस लक्ष्य को लेकर के चली है। इतना मुझे आज आपसे इसका मतलब कांग्रेस की सरकार यहां तो पहुंच जाएगी। हमने कब गिराने का प्रयास किया? लेकिन आपका जो प्रश्न है वो उचित नहीं। हमने कब गिराने का प्रयास किया? ये तो अपने बोझ से गिरती भी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, और कोई भी अलोकतांत्रिक दृष्टि से नहीं काम करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी एंगल्स पर काम करती है। आप लोग कल से कहते हैं ये सरकार माइनॉरिटी में है, लेकिन मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो अपना सत्ता में रहने का अधिकार खो चुके हैं। गवर्नमेंट को मॉरल राइट नहीं। जो एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और ऐसे में जो सदन की संख्या है वो भी कम हुई है और